हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो विंडो का हेलो फेस होता है लॉगिन करने का, वो आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो जो भी एरर आता है दोस्तों कि वी कुड नॉट फाइंड अ कैमरा कंपैटिबल विद हेलो फेस, तो उसको आपको कैसे एक्टिव करना है उसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाना है दोस्तों, और मैं आपको एरर दिखाता हूँ। उसके बाद सेटिंग में जाना है, और उसके बाद ये अकाउंट्स में जाना है यहाँ पर, और उसके बाद साइन इन ऑप्शन आएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये विंडो हेलो फेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं अगर इसको यूज करना चाहता हूँ तो ये एरर दिखा रहा दोस्तों है, वी कुड नॉट फाइंड अ कैमरा कंपैटिबल विद द विंडो हेलो फेस। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए हमें दिस पीसी में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सी ड्राइव ओपन कर लेंगे हम। उसके बाद विंडोज, देन उसके बाद सिस्टम 32, आप एस टाइप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विन बायो प्लगइन, आप डब्लू प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं विंडो बायो प्लगइन्स, डबल क्लिक करना दोस्तों इस पे। उसके बाद फेस ड्राइवर, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना, और यहाँ पर ये सेटअप है दोस्तों उसका हेलो फेस का, इस पर आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और इसको इंस्टॉल करना है, और यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दोस्तों, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, और इसको ओके कर देना है। और ये आप सेटअप इंफॉर्मेशन, एक और फाइल है आपको, तो आपको सेम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना रीस्टार्ट करना है सिस्टम, और चेक करना कि ये प्रॉब्लम गई या नहीं गई। उसके बाद मैं आपको दोस्तों दूसरा स्टेप बताता हूँ, अगर ये वाला काम नहीं कर रहा आपके सिस्टम में। अगले स्टेप के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना, और यहाँ पर रन टाइप करना है। आप विंडो प्लस आर भी कर सकते हैं। रन कमांड में जैसे ही जाएंगे आप, आपको यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों services.msc, ये वाला ऑप्शन जो है services.msc, एंड ओपन कर लेना है उसको। और उसके बाद ये वाला पेज खुल के आएगा दोस्तों। उसके बाद विंडो बायोमेट्रिक पर जाना हमने, तो W आप प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने जाना है विंडो बायोमेट्रिक सर्विस, ये आप देख सकते हैं। तो इसको डबल क्लिक करना है दोस्तों, और ये जो सर्विस स्टेटस है इसका रनिंग का, इसको स्टॉप कर लेना है एक बार। स्टॉप करने के बाद दोस्तों आपको इसको ओके कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर सी ड्राइव में जाना दोस्तों हमने, डिस्क पीसी में जाके, और इसको डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद विंडो को, उसके बाद सिस्टम 32 पर जाना हमने, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद विन बायो डेटा पर जाना हमने। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है दोस्तों, विन बायो डेटा भी इसको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो भी फाइल मिलेगी दोस्तों उसको आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है, इसको राइट क्लिक करके। और इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको फिर सर्विसेज टैब में जाना है यहाँ पर, और ये विंडो बायोमेट्रिक सर्विस है जो, इसको डबल क्लिक कर लेना है, और इसको स्टार्ट कर लेना है क्योंकि इसका स्टेटस जो है स्टॉप है, इसको रीस्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पर रनिंग का स्टेटस आ गया, ओके कर लेना है, और यहाँ से एग्जिट कर लेना है। एंड आपको चेक करना है दोस्तों, रीस्टार्ट करने के बाद आपका सिस्टम चल जाएगा। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों आपका एरर नहीं जाता है, उसके लिए हमें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना हमने, और उसके बाद ये ऐप्स में जाना है, और उसके बाद ऐप्स इन फीचर यहाँ पर जाना है, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल फीचर्स, इसको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको ढूंढना है दोस्तों विंडो हेलो फेस, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं आ रहा ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं विंडोज
हेलो फेस, और जैसे ही आपके सिस्टम में ये आ जाएगा दोस्तों, आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको, और उसके बाद आपको सिस्टम में रीस्टार्ट कर लेना है। मेरा इसलिए नहीं आ रहा कि मेरा ऑलरेडी दोस्तों इसमें है ये ऑप्शन में, तो आप इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे फाइनल एंड लास्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए दोस्तों आपको रन कमांड में जाना है। यहाँ पर फिर से रन टाइप करना है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों हमने जीपी एडिट सर्विस में जाना है। यहाँ पर जीपी एडिट डॉट एम एस सी, इसको क्लिक कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसको एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद आपको विंडो कंपोनेंट्स को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन आएगा ये वाला, इसको डबल क्लिक करना है। और यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं दोस्तों, अलाउ द यूज ऑफ बायोमेट्रिक, तो नॉट कॉन्फिगर है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है इसको, और यहाँ पर इनेबल कर देना है इसको, और अप्लाई और ओके। एंड द सेकेंड वाला ऑप्शन है अलाउ यूजर्स टू लॉग इन ऑन यूजिंग बायोमेट्रिक, इसको डबल क्लिक कर लेना है और इसको भी हमने इनेबल कर लेना है, और यहाँ से एग्जिट कर लेना दोस्तों, और रीस्टार्ट कर लेना आपको सिस्टम एक बार अपना। तो रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों एरर चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका एरर सॉल्व हो गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।